हेलो ब्रदर एंड सिस्टर, मैं तान्या स्वागत करती हूँ आपका लेक्चर संदेश यादव के इस चैनल में। और आज हम लाए आपके लिए एक नया टॉपिक जो है यूपीएससी के बारे में। किसके बारे में? यूपीएससी के बारे में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन सा अनिवार्य सब्जेक्ट होता है और कौन सा लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, सब बच्चों के मन में ये होता है कि मैं यूपीएससी करूँ, आईएएस बनूँ, पीसीएस बनूँ या आईएफएस, जो भी हो उसमें डीएम एसडीएम सब आते हैं, ठीक है। जो भी बनने के मूड में होते हैं सब उजागर तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। और जब पता नहीं रहेगा तो आपको समझने में, मान लीजिए समझ लेते हैं, तब तो आसानी से आपको यूपीएससी की तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर नहीं समझ पाते हैं तो आपको समझना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यूपीएससी के बारे में आप जब जानेंगे तभी उसकी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, यूपीएससी में कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ कि आपको यूपीएससी में दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है अनिवार्य सब्जेक्ट और एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। अनिवार्य सब्जेक्ट या चाहे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई सा भी लो, अनिवार्य सब्जेक्ट सबको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ए टू जेड सबको अनिवार्य सब्जेक्ट, जो अनिवार्य विषय है ये सबको पढ़ने पड़ते हैं, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप क्यों नहीं एक ही चुन लो, ठीक है। तो अनिवार्य विषय में आ जाता है सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग आ जाता है। तो आपको ये अनिवार्य है, अनिवार्य विषय है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, एकदम अनिवार्य है, ठीक है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आ जाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में कुल 48 होते हैं, ठीक। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में विशेष बात यह है कि भाषा और साहित्य को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि भाषा, आपकी जो भी भाषा हो, ठीक है, उसको आप जैसे गुजराती, मणिपुरी, संस्कृत, हिंदी, मराठी, सिंधी, ठीक है, जैसे भाषा हो, भाषा आपकी है, वो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में रूप में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप हिंदी ले सकते हैं, जैसे हिंदी आपको समझ में आती है तो हिंदी ले सकते हैं, गुजराती आती है तो गुजराती ले सकते हैं, मणिपुरी कोई कहेगा मैं मणिपुरी लूँगा, मराठी लूँगा, सिंधी लूँगा, तो आप इसमें कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप समझ सकते हैं, आपको जो भी आसान लगे आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको भाषा, यानी आपको भाषा नहीं लेना, ठीक, जैसे आप 10th क्लास में 12th क्लास में या बीए में जो भी आप पढ़े हो विषय, अगर आप चाहते हो कि उसमें से मैं एक कोई सा लूँ, तो कुछ भाषा को छोड़कर ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिक्स भी आप ले सकते हैं, जैसे 10th में 12th में आपका बहुत लोगों का फिजिक्स बहुत अच्छा होता है, अच्छा खासा, और चाहते हैं कि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिजिक्स लूँ, तो आप फिजिक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री, बहुत लोगों का केमिस्ट्री भी अच्छा होता है, केमिस्ट्री ले सकते हैं। जूलॉजी, बायोलॉजी, कोई कहे मैं बायोलॉजी लूँगा, ठीक, तो बायोलॉजी भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में, यानी इतने विषय दिए हैं तो यानी आपको एक ही विषय चूज करना है, यानी ये नहीं कि पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं और आपको एक चूज करना है, ठीक है, आप उसमें से एक पढ़ेंगे, यानी बायोलॉजी है, इंडियन हिस्ट्री है, विधि शास्त्र है, सामाजिक शास्त्र है, साइकोलॉजी है, लोक प्रशासन है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफिक है, और राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वाणिज्य है, लेखांकन, मैथमेटिक्स। कोई कहे कि मैं मैथमेटिक्स लूँगा, मैं इसमें मेरी अच्छी खासी नंबर भी आते हैं और मेरा मन भी लगता है मैथमेटिक्स से, तो कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि अनिवार्य विषय, यानी ये पूरा अनिवार्य है, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों नहीं मैथमेटिक्स ही ले लो, लेकिन आपको ये पढ़ना अनिवार्य होगा, ठीक है, आपको ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होगा। जैसे कि मान लो, और इसमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही बताती हूँ, धन्यवाद।